रखा गया और हंस सिद्धार्थ गौतम के पास गया जिसने उन्हें बचाया था देवदत्त से, तो वो डर गया और हंस उसी का हो गया। तो तब से ये कहावत प्रचलित है कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। आज दिल्ली के अंदर भी वही हालत है। एलजी साहब और बीजेपी वाले रोज तीर पे तीर मार रहे हैं दिल्ली की जनता को, रोज उनको तंग कर रहे हैं, रोज उनके काम रोक रहे हैं, रोज उनकी जिंदगी खराब कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी और हम लोग उन पे मरहम लगाते हैं, और मैं उनके परिवार का हिस्सा बनके उनकी मदद करने की कोशिश करता हूं दिल्ली के लोगों की। सबसे ज्यादा दुख हुआ जब कुछ दिन पहले उन्होंने योगा की क्लासेस बंद कर दी। एलजी साहब ने और बीजेपी ने मिलके दिल्ली के अंदर जो 17,000 लोग योग किया करते थे, उन 17,000 लोगों को योग करने से रोका गया। हमारा तो टारगेट था कि हम 17,00,000 लोगों को योग कराएंगे, लेकिन इन्होंने उसको 17,000 लोग जो योग करते थे उनको भी रोक दिया। इन्होंने कहा कि योगा टीचर्स की तनख्वाह नहीं दी जाएगी, योगा टीचर्स को क्लासेस में जाने से रोका गया। मतलब योग करने से कौन रोकता है? ये तो योग किसी, कोई योग कर रहा हो उसको रोकना तो पाप है। हमें बहुत दुख हुआ, लोगों को बहुत दुख हुआ, लोगों के व्हाट्सएप, पूरी दिल्ली के अंदर लोगों में बहुत गुस्सा था कि यार ये कैसे लोग हैं जो योग करने से लोगों को रोकते हैं। तब मैंने बहुत लोगों से बात की और सबने मिलकर ये तय किया कि हम दिल्ली के अंदर योगा की क्लासेस बंद नहीं होने देंगे। एक तरह से जैसे उसने देवदत्त ने तीर चलाया था हंस के ऊपर, एलजी साहब ने और बीजेपी वालों ने तीर चलाया था दिल्ली की जनता के ऊपर कि योगा की क्लासेस बंद करेंगे। हमने तीर निकाला, मरहम पट्टी की और हमने तय किया कि दिल्ली के लोग मिलके किसी हालत में योगा की क्लासेस बंद नहीं होने देंगे। योगा की क्लासेस शुरू हुई दोबारा, मैंने कहा भी मैं कहीं से लेके आऊं, पैसा लेके आऊंगा और योगा की क्लास से और टीचर्स को मैं तनख्वाह दूंगा, कहीं से तनख्वाह ला के दूं। तब से योगा की क्लासेस चल रही हैं, वापस 2 दिन के लिए बीच में बंद हुई थी, वापस योगा की क्लासेस चालू हो गई हैं। मेरे पास वीडियोज आते हैं, मेरे पास तस्वीरें आती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के। सुबह शाम योगा की क्लासेस चल रही हैं। मेरे पास कई लोगों के मैसेजेस भी आए हैं कि हम इसके लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। कुछ चंद लोगों ने कहा है कि हम इसका सारा खर्चा उठा लेंगे, वो तो हो ही सकता है, पर आज मेरी इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भागीदार बने, ज्यादा से ज्यादा लोग कंट्रीब्यूट करें। तो मैं आज एक फोन नंबर जारी कर रहा हूं, ये व्हाट्सएप नंबर है, ये फोन नहीं उठेगा, व्हाट्सएप मैसेज भेजिए। इसका मकसद ये है कि एक योगा टीचर को हम सुबह शाम योगा कराने के लिए 15,000 रुपए महीना देते हैं, मात्र 15,000। 15,000 रुपए क्या होता है? कुछ भी नहीं होता आज की डेट में। 15,000 रुपए महीना देते हैं हम। जो जो लोग एक टीचर की या 2 टीचर की या 3 टीचर की तनख्वाह उठाना चाहते हैं, वो मुझे लिख के, मेरे को पैसे नहीं चाहिए आपके, वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें कि जी मैं एक टीचर की, कोई ये ना कहे मैं 10,000 रुपए देना चाहता हूँ, वो ये कहे कि मैं एक टीचर की तनख्वाह उठाना चाहता हूँ, मैं 2 टीचर की तनख्वाह उठाना चाहता हूँ, मैं 4 टीचर की तनख्वाह, और ये मैसेजेस मेरे को भेजें। हम महीने के अंत में उनको टीचर्स का नाम बता देंगे, वो हमें चेक दे दें और हम टीचर्स को या टीचर्स से उनके हाथ से हम चेक दिला देंगे। तो व्हाट्सएप नंबर है 7279 7279, दो बार है 7279 7279। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दें मुझे, और आप 15,000 के मल्टीपल्स में आप मुझे कहें कि मैं एक टीचर की तनख्वाह देना चाहता हूं, मैं 2 टीचर्स की तनख्वाह देना चाहता हूं, मैं 4 टीचर्स की तनख्वाह देना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मिलके इसको, इसके अंदर, इस पुण्य के काम में भागीदार बने। और दिल्ली के 2 करोड़ लोग हम एक परिवार हैं, इस परिवार में कोई भी कठिनाई आएगी हम मिलके लड़ेंगे, तो कोई भी कठिनाई हमें छू नहीं सकती है। सो यही मैं आज जारी करना चाहता था नंबर, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से एक एक टीचर कंट्रीब्यूट करो और ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप। कहने दो
क्या फर्क पड़ता है, बीजेपी कहती रहेगी। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, कोई पांच काम बता दो जो आपने 15 साल में किया, कोई पांच काम बता दो जो 15 साल में एमसीडी, चलो पांच मत बताओ, दो ही काम बता दो जो तुमने 15 साल के, मतलब 24 घंटे बैठ के मेरे को गाली देते हैं, ढोंगी है, राक्षस है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, जो कि योगा ब्लॉक करने को लेकर बीजेपी से सवाल भी कर रहे थे और आम लोगों से सहयोग भी मांग रहे थे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में एमसीडी चुनावी सरगर्मियां अब तेज हो चली हैं, वक्त भी नजदीक आ रहा है, कोई पार्टी वचन दे रही है तो कोई पार्टी गारंटी दे रही है और आम लोगों के बीच में सभी लोग पहुंच गए हैं अपने अपने वादों के साथ में। एमसीडी चुनाव जब 4 तारीख को होना है और 7 तारीख को रिजल्ट हम सबके सामने होंगे, ऐसे में अलग अलग पार्टियों के जरिए अलग अलग जोर चलाए जा रहे हैं।